कि आदमी को खर्च का ही पानी लगेगा। कई लोग बिहार से भी हैं, आपको बताएंगे तो कितना बढ़िया, वो भी काम करने लगे। हम दो मिनट में सेटअप तैयार करेंगे वहां पर उसके लिए। एक आदमी का देखिए हम कहानी सुनाते हैं, वो बिहार से मेरे दोस्त भी है। वो आदमी आज वो अच्छे अच्छा उनका कहानी है, अच्छा अच्छा पैसा भी है, वो बिहार से ही आए हैं। हम उनका दो मिनट सेटअप करेंगे और रेडी करेंगे। हम वो ESSB के पोस्ट पे, बहुत अच्छा इनकम है। वो दो से चार मिनट अपने बारे में शेयर करेंगे। तो आमंत्रित करते हैं उमेश जी को, बिहार से जोड़ डाले उनके लिए बताइए। गुड मॉर्निंग। अभी तक जो कुंदन सर बता रहे थे आप लोगों को, कैसा लगा? कैसा? बहुत अच्छा। लेकिन आवाज? बहुत अच्छा। आवाज नहीं है? बहुत अच्छा। कुंदन सर के लिए कैसा था? मेरा भी कुछ कहानी है, जानना चाहते हैं आप लोग? मैं कैसे थिएटर में आया? मेरा नाम उमेश कुमार है और मैं बख्तियारपुर का रहने वाला हूं। थिएटर के बारे में बिल्कुल मैं अननोन था, कुछ नहीं जानकारी था। मेरा ड्रीम था पढ़ने के बाद डॉक्टर बनना। जूलॉजी ऑनर्स था, मैंने MSc किया। हमारे पिताजी भी टीचर थे, आज दुनिया में नहीं है। भैया भी दरोगा से रिटायर किए। पढ़ाई करने के बाद बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिला। कहा गया है खुदा पहाड़ तो निकला। यही स्थिति मेरा था। लेकिन कहा गया है हर इंसान कहीं ना कहीं जिंदगी को जीने के लिए कुछ ना कुछ करता है कि जब ड्रीम खत्म हो गया, सपना खत्म हो गया, लगा कि हम अब जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। लगता था दिल्ली सूरत जाकर के आ करके 2-4 हजार रुपया कमाए, प्राइवेट काम करें। इसी बीच हम यहाँ नहीं आकर के अपना खेती वाला जो काम था वही कर रहे थे, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या पैसा। कहा गया है अगर पैसा आपके पास है सभी लोग आपको सलाम करेगा, पैसा नहीं है कोई आदमी आपको पूछने वाला नहीं। सही बात है। इसी तरीके से मेरा जिंदगी चला था। इस दौरान एक साथी के बारे में बताया, रिएक्शन के बारे में बताया कि उमेश सर रिएक्शन में स्वास्थ्य रहने के लिए जानकारी दिया जाता है और कोई भी अगर बीमारी है तो इसको सही तरीके से जानकारी लेंगे, सीखेंगे और खाएंगे, सही गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे तो बीमारी भी जल्द से ठीक हो जाता और यहाँ गैर भी मिलता है। हमें लगा कि फालतू काम। अच्छा नया आदमी को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं, मुझे भी लगता था। हम बुलाया जाता था ट्रेनिंग में, लेकिन हम जाते थे बिहार से लेकिन वहां पे ट्रेनिंग में नहीं बैठ पाते थे। इसी दौरान हमारे घर पे आ जाते हैं, DSM के बारे में बताते हैं और ये कैनोडर्मा के लिए होता था। उन्होंने बताया इसके बारे में, उन्होंने बताया कि उमेश सर अंग्रेजी दवा जो है अंग पे काम करता है, होम्योपैथी दवा जो है उत्तर पे काम करता है और ये कैनोडर्मा जो है उससे काम करता है, गोष्ठा पे काम करता है। जैसे उन्होंने बताया कि घोषणा पे काम करता है हमें ये बात समझ में आ गया और मैंने क्या किया इसका प्रोडक्ट किया। हमारे अंदर भी प्रॉब्लम था, गैस बनता था, भूख नहीं लगता था, ब्लड प्रेशर मेरा हाई था और बवासीर का भी प्रॉब्लम था, पैर में 20 साल से दर्द था जिसके कारण ना जाने कितना डॉक्टर से दिखाने पड़े हुए थे, कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा था, हफनी हो जाता था, ये भी प्रॉब्लम मेरा था। लेकिन इसका प्रोडक्ट खाने के बाद, ट्रेनिंग में बिठाने के बाद, एक सफल गुरु के संपर्क होने के बाद हम सारे लोग का गुरु माता पिता जो आज पूरे बंद में एक इतिहास रचे हैं, धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर के लिए जोर का तालियां बजाइए। उनकी छाया में, उनकी मार्गदर्शन में रहे, अपना जो MSc किया था उसको साथ में रखते हुए एक अपने आप को जीरो माना, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने आप को जीरो नहीं मानेगा उस फील्ड में वो हीरो नहीं बन सकता। Thank you.
हम अपने गुरु माता पिता का फिर से मतलब स्वागत करते हैं और उनके नाम पर बताएंगे। गुड मॉर्निंग। थक गए क्या? हम तो नहीं थक गई, क्योंकि अगर देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डीएसएल में पैसा नहीं आता, बहुत सारे लोगों को लगता है, विश्वास नहीं होता है, कभी कभी लगता है अरे यार हाँ आता है, लेकिन जब वो यहाँ पर आता है तो आता है, आता है घर पे जाता तो आता नहीं आता है, वैसे ही बोल रहा हूँ, सही बात है कि नहीं? यहाँ पे है तो माहौल में है, हाँ आता हो पक्का आता हो, लेकिन घर में जाने के बाद नहीं, हो भी सकता नहीं, क्योंकि बोला हुआ है ना आज हम आपको दिखाते हैं कि डीएक्शन में आता नहीं है, आ रहा है, हम आपको अपना दिखाते हैं। देखा हुआ बात नहीं, कोई भी कितना हो कुछ बोलेगा दिमाग से निकलेगा, अरे भैया आप देखे हैं, आप अभी देखे हैं कि घर में मेरी दीदी आई है, अब बाहर निकलिएगा तब कोई आदमी कहेगा कि आपकी दीदी आज आपके घर में नहीं आई है, मानने का चीज है, आप देख क्या है ना, सही बात है कि नहीं? अभी हम घर गए, घर में देखे मेरी दीदी आराम से सोफा पर बैठी हुई है, उससे बात भी किए, खाना भी खिलाई, अब बाहर निकले, अब बाहर वाला आदमी बोला तुम्हारी दीदी आई कहां, विश्वास होगा क्यों? नहीं होगा, क्योंकि हम जाकर क्या किया है, देख कर क्या है, हम आपको अभी बताएंगे नहीं, हम आपको अपना पैसा दिखाएंगे, बताया था ये चार बरस के अंदर में डीएक्शन में 65 से 70 लाख कमाए, कितना बरस में? चार बरस में आपको हम दिखाते हैं। मेरा देखिए, मेरा पहला 2015 का बोनस, ये मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टीडीएस स्टेटमेंट है, इसको रिलीज इसको जारी कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना, मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है, नेम ऑफ द एसएससी कुंदन कुमार लिखा हुआ है, ये मेरा पूरा एड्रेस बिहार, हम आपको दिखा रहे हैं पहले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2015-2016 का मेरा अपना टोटल इनकम, मेरा पहले वर्ष का डीएसएन का, जिस समय हम डीएसएन में अपना पैर रखे 2015 में, मेरा पहला वर्ष का डीएसएन का, आपको मालूम है ना इनकम टैक्स एक फाइनेंशियल ईयर मानता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, हम आपको बोनस दिखा रहे हैं 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक, एक वर्ष हुआ कि नहीं हुआ, मेरा डीएसएन में पहले वर्ष का इनकम है 4,31,531 रुपया, पैसा कहां से आया? नेम ऑफ द डीलर का क्या है? डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कहां से पैसा आया? कहां काम करते हैं हम? कहां काम करते हैं? हमें एक वर्ष में कितना पैसा दिया डीएक्शन? ये आप लोग भी निकाल सकते हैं, डीएक्शन के ई वॉलेट में आपका टीडीएस का स्टेटमेंट है, क्वार्टरली वाइज निकलेगा, अरे जिसमें ई वॉलेट है ना, जिसमें बैलेंस निकालते हैं उसमें आपका ये सेव है, कंपनी में इसको सेव करके रखा है, और नहीं तो आप अपने इनकम टैक्स का जो आपका आईडी पासवर्ड है, इससे आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, वहां से जाकर के 26AF फॉर्म आप डाउनलोड करिए, समझ में आ गया? यहां से आपको एक वर्ष में कितना कमा है और कहां से कमा है सब डाटा निकलेगा, वकील साहब भी इसी के अनुसार इनकम टैक्स फाइल करते हैं, और नहीं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको हर साल बाई पोस्ट कुरियर के द्वारा आपके घर पे इनकम टैक्स स्टेटमेंट भेजे भेजता है, समझ में आ गया कि एक वर्ष में आपने कहां से कितना पैसा कमाया? हम पहले वर्ष में डीएसएल मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 4,31,531 रुपया, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, कितना टैक्स कटा? 10%। पहले डीएसएल में कितना परसेंट टीडीएस कटता था? कितना परसेंट? 10%। 4,31,000 कमाए सरकार को, कितना टैक्स दिए? 43,000। टीडीएस कितना मेरा डिडक्ट हुआ? 43,000। ये मेरा पहला साल का है 2015-2016। अच्छा ये गलत हो सकता है? नहीं, पढ़ना है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 203(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर जो इस चीज को काटने का अवकाश मोदी जी के पास भी नहीं, इस चीज को